भी जयंती को मनाने के लिए, उस महामानव के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत दिल से हार्दिक मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। मंच पर आसीन सभी मेरे अग्रज, मेरे साथी, आप सबको साधुवाद एवं धन्यवाद देते हुए, आयोजक साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उन सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए, खास तौर पे मुझे आपसे अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए, मैं जानता हूं कि समय निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हो गया है और प्रयास करूंगा कि 5-7 मिनट में अपनी बात को पूरा करूं। सिर्फ 3 बातें मुझे कहनी है। आज हम बाबा साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं, बाबा साहब का जन्म दिवस मना रहे हैं और बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं, मंच से अक्सर कहते रहते हैं, आप लोग भी पढ़ते रहते हैं और भी हमारे साथियों ने सारी बातें बताई हैं। लेकिन साथियों, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाबा साहब का जो संघर्ष है, बाबा साहब का जो त्याग है, बाबा साहब का जो बलिदान है, वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जो 4 बच्चे बाबा साहब के शहीद हुए, मां रमाई इस आंदोलन में शहीद हुई, बाबा साहब खुद इस आंदोलन में अल्टीमेटली शहीद हुए, लेकिन साथियों ये शहादत, ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। समय जरूर लगा लेकिन आज आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब के नाम का डंका बज रहा है और कम से कम पूरी दुनिया के अंदर आज कम से कम 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब की संतान बनकर बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर उनके 4 बच्चे उस समय पे इस आंदोलन के लिए शहीद हुए, हमारे और आपके लिए शहीद हुए, तो आज उनकी विरासत को बढ़ाने के लिए उनके उस बलिदान का मूल्य तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन उस बलिदान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि भारत के हर घर में आज ऐसा बच्चा पैदा हो चुका है, आज बाबा साहब का लायक बच्चा पैदा हो चुका है कि वो लोग जो बाबा साहब को कभी देशद्रोही बताया करते थे, वो लोग जो कभी बाबा साहब को राष्ट्र के टुकड़े करने वाला बताया करते थे, वो लोग जो कभी बाबा साहब को हिंदू धर्म का विध्वंसक बताया करते थे, आज बाबा साहब के नाम का जाप जप रहे हैं। आज उनका कोई भी राजनीतिक दल हो, आज उनकी कोई भी संगठन हो, आज बाबा साहब के नाम के बिना नहीं चल सकती। तो ना सिर्फ बाबा साहब के लायक संतानों ने यह अवसर पैदा कर दिया है कि पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब का नाम फैल रहा है, बाबा साहब का नाम बढ़ चढ़ के लिया जा रहा है, बल्कि जो बाबा साहब के तथाकथित दुश्मन भी थे, बाबा साहब के विरोधी भी थे, उनको इतनी हीट पैदा कर दी है, आप सब लोगों ने इतनी गर्मी पैदा कर दी है अपने आंदोलन के द्वारा कि वो भी बाबा साहब के चरणों में आके आज बैठने के लिए मजबूर हैं। इसलिए बाबा साहब का कारवां निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब ने जिस चीज के लिए, हम सबके सम्मान के लिए अपनी शहादत दी थी, वो शहादत किसी भी रूप में व्यर्थ नहीं गई है। हमें साथियों हौसला बनाए रखना है। ये आप देख सकते हैं कि हमने कितनी बड़ी तरक्की की है, हम कहां से यहां तक पहुंचे हैं। जो साथी हमेशा इस बात को कहने का प्रयास करते हैं कि हालत बहुत खराब हो गई है, हमारी हालत बहुत खराब हो गई है, हमारा सब कुछ छिन रहा है, वो साथी थोड़ा सा सकारात्मक होने का प्रयास करें, वो ये देखने का प्रयास करें कि पिछले 60-70 साल में हमने कितनी तरक्की की है, हम कहां से
कहां तक पहुंचे हैं, कितनी जमीन के नीचे से हम यहां तक पहुंचे हैं, कितने किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं, और बाबा साहब ने हमारे लिए जो उद्देश्य निर्धारित किया, बाबा साहब ने हमारे लिए जो एक मापदंड बना दिया कि हमें कहां तक पहुंचना है, साथियों आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि वो दिन दूर नहीं है। आज ना सिर्फ हमारा व्यक्ति ना सिर्फ भारत के हर ऑफिस के अंदर है, आज ना सिर्फ हमारा हर बच्चा भारत की हर परीक्षा में प्रथम आ रहा है, अब वो दिन दूर नहीं है, मुझे लगता है कि शायद महीने भर का भी दिन दूर नहीं है, जब आपके ही बीच का कोई व्यक्ति, आपके ही बीच की कोई बहना इस भारत के सबसे ऊंचे तख्ते पर बैठने के लिए तैयार हो रही है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो दिन आप बहुत जल्दी देख सकते हैं। साथियों दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमने बहुत संघर्ष झेले हैं, हमने बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी ताकत को नहीं पहचाना, हम लोग कभी कमजोर नहीं रहे हैं। चाहे कितनी भी परेशानियां रही, चाहे कितने भी अत्याचार रहे, चाहे कितने भी अन्याय हुए, लेकिन हम लोगों ने कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, कभी भी हमने दुश्मन के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई, कभी भी उसकी बात को हमने नहीं माना, चाहे हमारे पास खाने के लिए रहा या नहीं रहा, चाहे हमारे पास कपड़े पहनने के लिए थे या नहीं थे, चाहे हमारे पास रहने के लिए मकान था या नहीं था, लेकिन हमने कभी भी ब्राह्मणवादियों की गुलामी करना स्वीकार नहीं किया। आप स्वाभिमान के साथ पिछले 1500 साल से अपने आप को ना सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं, बल्कि आपने इस आंदोलन को इस नई पीढ़ी के हाथ में सौंप दिया, इतने छोटे छोटे खूबसूरत बच्चों के हाथ में सौंप दिया है कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत सम्राट अशोक का भारत बनेगा, जब भारत प्रबुद्ध भारत बनेगा। आपको जस्ट अपनी ताकत को पहचानना है। ताकत वास्तव में आपके अंदर है। इसमें एक छोटी सी 2 मिनट की मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। साथियों आप जानते हैं कि हाथी कितना मजबूत जानवर है, कितना मजबूत जानवर है कि आज की तारीख में धरती पर उससे मजबूत, उससे ताकतवर, उसके जैसा विशालकाय जानवर कोई भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथी का बच्चा अपनी मां के पेट में 21 महीने रहता है? इतना कोई भी दूसरा प्राणी मां के शरीर के अंदर, मां के पेट के अंदर नहीं रहता। हाथी के बच्चे को जन्म लेने के लिए कम से कम 650 दिन मां के पेट में रहना पड़ता है, 21 महीने उसे कम से कम मां के पेट में रहना पड़ता है। लेकिन जब वो इस दुनिया के अंदर आ जाता है, जब वो जन्म ले लेता है, तो ये एक और खासियत है उसकी कि जब वो जन्म ले लेता है तो उसको मां के दूध तक चल के खुद ही आना होता है। मां उसको अपना दूध नहीं पिलाती है, लेकिन एक बार अगर हाथी का बच्चा मां के दूध तक पहुंच जाता है तो फिर कभी भी दुनिया की कोई ताकत उस हाथी के बच्चे को बैठा नहीं सकती है। एक बार अगर खड़ा हो गया तो फिर कोई नहीं बैठाती है। धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा होने लगता है, बड़ा होता है, लेकिन साथियों बचपन में हाथी के बच्चे के पैर में कोई जंजीर बांधी हुई है, किसी ने कोई रस्सी बांधी हुई है, कोई मोटा रस्सा बांधा हुआ है, हाथी का बच्चा प्रयास करता है लेकिन वो टूटता नहीं है, क्योंकि उस समय पर बच्चे की ताकत ज्यादा नहीं होती है। धीरे धीरे हाथी बड़ा होने लगता है, लेकिन अब हाथी अपने उस प्रयास को छोड़ देता है, अपने उस प्रयास को छोड़ देता है, और उसे लगता है कि जितनी मजबूत रस्सी या जितनी मजबूत जंजीर बचपन में थी, शायद उतनी ही मजबूत रस्सी या जंजीर अभी भी है। इसलिए बड़ा होने के बावजूद भी वो उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि अब जंजीर उसके पैरों में नहीं है, क्योंकि हाथी इतना विशालकाय जानवर है कि किसी भी जंजीर को तोड़ सकता है। लेकिन अब जंजीर उसके पैरों में नहीं है, अब जंजीर उसके मस्तिष्क पे है, उसके दिमाग में है, इसलिए वो उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करता। बचपन में जो कमजोर हालत थी उसी को वो समझने लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं तोड़ सकता। लेकिन साथियों जिस दिन हाथी को किसी भी वजह से, क्योंकि उसकी आंखें भी थोड़ी छोटी होती हैं, उसकी आंखें थोड़ी छोटी होती है, फोकस थोड़ा उसका ज्यादा होता है, लेकिन जिस दिन हाथी को अपने शरीर का एहसास हो जाता है, पानी में देख के या इधर उधर लड़ाई करते हुए जैसे भी उसको अपने शरीर का एहसास हो जाता है, उसी दिन वो अपने सर के ऊपर बैठे हुए महावत को, महावत जानते हैं कि 5 फीट का होगा, बहुत होगा 6 फीट का होगा, उसके हाथ में 2 फीट की एक लाठी होती है, 1-2 इंच का, लाठी के आगे लोहे की कील लगी होती है, उस अंकुश के सहारे हाथी को वो नियंत्रण
वितरित करता है। लेकिन जिस दिन हाथी को अपने शरीर का मतलब अपनी ताकत का एहसास हो जाता है, उसी दिन वो हाथी उस महावत को अपने पैरों के नीचे कुचल के खत्म कर देता है। साथियों, बिल्कुल यही बात हमारे बहुजन समाज के लिए भी सही है। हमारा बहुजन समाज पैदा होने में समय ले रहा था, क्योंकि बहुत विशालकाय है, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े आकार में है, लेकिन हमारा बहुजन समाज अब पैदा हो चुका है। साथियों, हमारे बहुजन समाज को हमारे महापुरुषों की विचारधारा का दूध भी मिल गया है, उसको वो दूध भी मिल गया है जिसके द्वारा उसके शरीर के अंदर ताकत आ रही है। जैसे जैसे उसके अंदर शरीर के अंदर ताकत आ रही है, जैसे जैसे उसको अपने महापुरुषों की विचारधारा के द्वारा शरीर की ताकत को पहचानने का एहसास हो रहा है, उसी तरीके से ब्राह्मीणवाद यहाँ पे कांप रहा है। उसी अनुपात में ब्राह्मणवाद पूरी तरीके से घबराया हुआ है। इसलिए आज जो ये उछल कूद हो रही है, ब्राह्मणवाद जो आज कह रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसकी कोई ताकत नहीं है कि वो संविधान को हाथ लगा दे, उसकी कोई ताकत नहीं है वो आरक्षण को हाथ लगा दे। उसने देख लिया है 2 अप्रैल को क्या आपने किया। हमारे तेरे बच्चे शहीद जरूर हुए हैं साथियों, लेकिन ये हमारे लिए शहीद होना कोई बहुत नई बात नहीं है। हमेशा से हम लोग शहीद होते आ रहे हैं, लेकिन हमने 2 अप्रैल को ये दिखा दिया कि अगर ये हाथी का बच्चा बड़ा हो गया है, अब इसको कोई बैठा नहीं सकता है। अगर हम मर सकते हैं तो हम मार भी सकते हैं। अभी हमने सोचा नहीं है, क्योंकि हम करुणा और मैत्री के वाहक हैं, हम संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने अभी गैर संवैधानिक साधनों की बात नहीं की है, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब के उस वक्तव्य को हमें याद रखना है साथियों, कि हमें इस देश का राजकाज बैलेट से लेना है, लेकिन साथियों तैयारी हमें बुलेट की भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चंद सिर्फ रे लोग आपकी ताकत को देख के, आपकी हिम्मत को देख के अगर गैर संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं, लाठी गोली का इस्तेमाल करते हैं, बारूद का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें जरूरत पड़ने पर उनकी ही भाषा में, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। दूसरे किसी के ऊपर हमें अपने आप को निर्भर नहीं रखना है। इसलिए मान्यवर साहब ने इस बात को कहा कि बैलेट के साथ साथ हमें बुलेट की भी तैयारी करनी चाहिए। हालांकि हमारा हिंसा में कोई विश्वास नहीं है, हम हिंसा को किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराते, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये साथियों बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अय्यंकाली का नाम आपने सुना होगा। अय्यंकाली केरल के एक बहुत महान समाज सुधारक हुए हैं, सामाजिक क्रांतिकारी हुए हैं। कितने महान क्रांतिकारी थे कि वो एक भी दिन स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष के द्वारा, उस समय पे त्रावणकोर कहा जाता था, आज जिसको हम केरल कहते हैं, केरल के अंदर उन्होंने अपने संघर्ष के द्वारा 1904 से लेकर 1914 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड के अंदर उन्होंने सभी बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य करा दिया अपने संघर्ष के द्वारा। इतने बड़े क्रांतिकारी थे। 1914 में ये बात हो गई, अब से 100 साल पहले, हम तो ये 2011-12 में इस बात को कर पा रहे हैं। तो अय्यंकाली ने एक बार कहा कि भाई ये कब तक हम गुलामी का जीवन बीते रहेंगे, कब तक गुलामी का जीवन बिताते रहेंगे, हमें सड़कों पे चलना है, हमें रास्तों पे चलना है। लेकिन उस समय पे आप जानते थे कि ब्राह्मीणवाद बहुत खतरनाक तरीके से काम कर रहा था। केरल बहुत बदनाम रहा है साथियों। केरल के अंदर इनका तथाकथित परशुराम भी केरल से आया, इनका शंकराचार्य भी केरल से आया, इनका नम्बूद्रीपाद भी केरल से आया। तो केरल जो है ब्राह्मीणवाद की एक तरीके से पाठशाला रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें रास्ते पे चलना है। तो रास्ते पे आप जानते थे कि किस तरह की मारकाट होती है, आपको आम रास्तों पे चलने का अधिकार नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शाम को मीटिंग करते हैं। शाम को मीटिंग हुई, घर मोहल्ले के बुजुर्ग वहां पे इकट्ठे हुए और वो कहने लगे कि भाई आप क्यों ये फालतू में झगड़ा कर रहे हैं, आप उस रास्ते पे चलेंगे वो हमारी पिटाई करेंगे, हमारा सिर फोड़ देंगे, मारपीट होगी, फिर हमारा मनोबल गिरेगा। अय्यंकाली कहने लगे कि ठीक है, आप अगर ऐसी बात कह रहे हैं कि मारपीट हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हम मारपीट का रास्ता खत्म कर देते हैं, मारपीट की बात नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा कर लेते हैं कि भाई आप मुझे 25 नवयुवक मुझे दे दीजिए और उनको उनके हाथ में लाठी होनी चाहिए, लेकिन हम उनसे लड़ेंगे नहीं। जैसे ही हम उनके 100 फीट के नजदीक पहुंचेंगे,
और वो अगर हमारी तरफ आते हैं तो हम लाठी छोड़ के भाग के अपनी जान बचा लेंगे। तो बुजुर्ग कहने लगे कि इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भागने में तो हम वैसे भी एक्सपर्ट हैं, इसलिए अगर 100 फीट से हमें भागना है तो फिर हम अपनी अपनी जान बचा लेंगे। अय्यंकाली ने कहा कि ठीक है, सुबह ये बात तय थी। तो 25 नवयुवक बड़ी बड़ी लाठियां लेके, 6-7 फीट की लाठियां लेके आगे आगे चलते हैं। उनके बीच में अय्यंकाली चलते हैं। सामने दूर देखते हैं कि 1 किलोमीटर दूर पे जातिवादी लोग खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने सोचा कि ये लोग आ रहे हैं, जैसे नजदीक आएंगे हम इनको भगाएंगे, हम इनको दूर करेंगे। लेकिन ये जो 25 लोग जा रहे थे, ये 25 लोग 7 फीट की लाठी लेके जा रहे थे, और जो वहां पे हजारों लोग खड़े हुए थे उनको ये पता नहीं था कि भाई ये तो लाठी फेंक के अपनी जान बचा के चले जाएंगे। ये लोग जैसे जैसे 7 फीट की लाठी लेके आगे बढ़ते गए, वो हजारों खड़े हुए लोग रास्ता छोड़ते हुए दूर अलग हट गए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई इनके हाथ में 7 फीट की लाठी है, अगर हमने इनका रास्ता रोका तो ये हमारा सिर तोड़ देंगे, ये हमारी टांग तोड़ देंगे। उन्हें ये पता नहीं था कि ये रास्ता छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए साथियों, हमें भी बिल्कुल वही रणनीति अपनानी है। एक बार आप खड़े तो हो जाइए, एक बार आप हिम्मत से खड़े तो हो जाइए, आपके अंदर उसकी आधी ताकत आ जाती है। जैसे ही आप अपना नाम बताते हैं, जैसे ही आप अपनी पहचान बताते हैं, ऐसे ही दुश्मन कांपने लगता है, हमेशा कहने लगता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंदर से इतना डर जाता है वो कि भाई किसको छेड़ दिया हमने, ये अगर गुस्से में आ गया तो पता नहीं क्या से क्या कर देगा। इसलिए साथियों, आज हमें सिर्फ अय्यंकाली की उस रणनीति को और खड़े हो जाना है। यह अवसर साथियों बार बार नहीं आता है। आप जानते हैं कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या उद्देश्य निर्धारित किया। 1932 में बाबा साहब ने आपके लिए कहा कि हमें इस देश का हुक्मरान समाज बनना है। हुक्मरान समाज बनने के लिए उन्होंने आपको एक संविधान दिया, संविधान में आपको राइट टू वोट दिया। अगर राइट टू वोट दिया, मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि सामाजिक लड़ाई बहुत लंबी हो सकती है, धार्मिक लड़ाई उससे भी लंबी हो सकती है, कल्चरल रिवोल्यूशन और ज्यादा लंबा टाइम ले सकता है, लेकिन पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के लिए कोई बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ती है। 5 साल में हर बार आता है, और ये तो आपके सामने मजबूरे सरकार आ रही है। मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि भाई मजबूर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार नहीं चाहिए। इसलिए हमें अपनी ताकत को पहचानना है। बाबा साहब ने जिस बात को कहा कि हो सकता है कि आज आपको इस हथियार को चलाना ना आता हो, जो हथियार आपको बाबा साहब ने दिया, मत का अधिकार, वोट का अधिकार जो आपको दिया, लेकिन वो इस बात को कह के गए जो नानक चंद्रत्तू की बात कर रही थी रानी जी, रावण जी, तो के ये जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार इतना पावरफुल है कि जब मेरे समाज के लोग इस अधिकार को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, इस हथियार को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, तो उस समय पे महलों में रहने वाले लोग सड़कों पे नजर आएंगे, और सड़कों पे रहने वाले लोग महलों में नजर आएंगे। साथियों, वो समय आपके सामने आ गया है। अपनी ताकत को पहचानिए। बाबा साहब ने जिसके लिए इतना संघर्ष किया, उस संघर्ष को पहचानिए। उन्होंने जो त्याग किया, उस त्याग को पहचानिए। और जो आकांक्षा बाबा साहब की हमसे थी, जो आकांक्षा बाबा साहब की पढ़े लिखे समाज से थी, उसको हमें पूरा करना चाहिए। बाबा साहब की जो आंखों में आंसू थे, बाबा साहब के जो की जो आंखों में नमी थी 18 मार्च 1956 को, उस नमी को पोंछने का, उनके आंसुओं को पोंछने का बहुजन समाज का जो खास तौर पे नवयुवक है, बहुजन समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, उसके पास बहुत बढ़िया अवसर है कि चाहे हम गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करें, चाहे राजनीतिक जड़ों को मजबूत करें, जहां कहीं पे भी हैं, चाहे हम शिक्षक हैं, चाहे हम सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जहां कहीं भी हैं, हम अपने समय का बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। हम अपने संसाधनों का बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। हम अपने विचारों का या अपने ज्ञान का बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। वास्तव में अगर बाबा साहब की जयंतियों को मनाना है, अगर बाबा साहब के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, और वास्तव में इस देश को बचाना है, तो फिर हमें इस देश का राजकाज, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है, इसलिए हमें अपनी तैयारी उसी तरह से करनी पड़ेगी कि हमें दूसरों की तरफ देखना नहीं है, हमें उन पर निर्भर रहना नहीं है। यही प्रबुद्ध होता है जो दूसरों पर निर्भर ना हो, दूसरों के ऊपर अपना डिपेंडेंसी ना रखे। इसलिए हमें इस देश के शासन को, देश के राजकाज को
अपने हाथ में लेते हुए भारत से जाति व्यवस्था को ध्वस्त करना है और भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है, क्योंकि हमारे लिए ये जो राजनीति है ये राजनीति एक माध्यम मात्र है और अवसर है, अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए। माननीय कांशीराम साहब का करते थे कि बहुजन समाज के पास अवसर बहुत कम है, इनों के पास अवसर बहुत कम आए हैं, और अवसर आए भी हैं तो हमने उन अवसर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है। इसलिए जो अवसर हमारे पास है उस अवसर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हमारे पास अवसर नहीं है तो हमें अवसर को क्रिएट करना चाहिए, अवसर को पैदा करना चाहिए, तभी जाके बाबा साहब को सच्चे रूप में हम नमन कर पाएंगे, तभी उनके बच्चों की जो शहादत है उसका हम कोई छोटा मोटा ऋण चुका पाएंगे। नहीं तो जिस वजह से बाबा साहब दुखी होकर चले गए, जिस वजह से माननीय कांशीराम साहब दुखी होकर चले गए, जिस वजह से हमारे अन्य महापुरुष, आप जानते हैं कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं ज्यादातर महापुरुष दुख में गए हैं, अंतिम समय में बीमारी में गए, क्योंकि रात दिन उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसलिए आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, हम अपने जीवन काल में ही ब्राह्मीणवाद को नेस्ता नाबूद कर दें। साथियों, इस संविधान ने वास्तव में ब्राह्मीणवाद की हाथों को काट दिया है, उसकी जो बाजुएं हैं उनको काट दिया है। आपको सिर्फ उसने उसने अपने बाजुओं पे कपड़ा ढका हुआ है, उस कपड़े को सिर्फ हटाना है, उसकी जो ताकत है सारी की सारी खत्म हो चुकी है, उसकी जो हिम्मत है वो आपको सिर्फ उस कपड़े को हटा के खत्म कर देनी है। हाथी को आप साथियों, हाथी को सिर्फ अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाना है और महावत को अपने पैर, जातिवादी महावत को अपने पैर के नीचे नीचे कुचल के खत्म कर देना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, आपने मेरी बात को सुना, धन्यवाद। जय भीम, जय मानव कांसी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।